हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्किटेक्ट D05 चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग JEE मेंस 2019 के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, JEE मेंस 2019 की जो एग्ज़ाम थी वो जनवरी में भी हुई थी और अभी अप्रैल में भी इसका पेपर हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, अगर जनवरी और अप्रैल में इसका पेपर हुआ है तो सीधी सी बात, इनके अलग अलग शिफ्टों में पेपर हुए हैं, तो यहाँ पर जो है फ्रेंड्स नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल होगा। ठीक है, मतलब नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, क्योंकि हो सकता है आप लोगों को लगता हो कि अप्रैल का पेपर टफ है, या हो सकता है आपको लगता है जनवरी का पेपर टफ है और अप्रैल का इजी है, या फिर आपको लगता हो कि अप्रैल का टफ है और जनवरी का इजी है। तो यहाँ पर जो एक बात निकल के सामने आएगी वो है कि यहाँ पर जो है आप लोग नॉर्मलाइजेशन बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हो सकता है किसी के नंबर, अगर जैसे कि आप जनवरी में किसी के आए 330 नंबर आए हाईस्ट टॉपर के, और अप्रैल में किसी के 320 आए हैं टॉपर के। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर इस वाले पेपर को, अप्रैल वाले पेपर को जो टफ माना जाएगा, जबकि जनवरी वाले पेपर को जो इजी माना जाएगा। तब यहाँ पर जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस की जाएगी और इन दोनों को जो एक इक्वल लेवल में लाया जाएगा। ठीक है, इसके नंबर कुछ कम होंगे, इसके नंबर कुछ बढ़ा दिए जाएंगे, तो ये प्रोसेस यहाँ पे होने वाली है। ठीक है, तो अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर जो पिछले साल की तुलना में यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट भी जो है JEE एडवांस के लिए ज़्यादा क्वालिफाई किए जाएंगे। यहाँ पर तकरीबन 2.45 लाख, मतलब 2,45,000 के आसपास जो कैंडिडेट जो है JEE एडवांस के लिए क्वालिफाई किए जाएंगे। तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम लोगों ने एक्सपेक्टेड के कट ऑफ हम लोगों ने बनाया, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देख लेते कि JEE मेंस 2019 का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कैटेगरी वाइज कितना रहेगा। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, अगर आप लोग अनरिजर्व कैंडिडेट हैं और अगर आप लोगों के 75 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग बिल्कुल ही JEE एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए, अगर आप लोग OBC कैंडिडेट हैं और उसके बाद आप लोगों के 45 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल ही JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। SC कैंडिडेट हैं अगर आप लोग, और आप लोगों के 28 प्लस मार्क्स आ रहे हैं, तो आप लोग भी बिल्कुल ही JEE एडवांस की तैयारी कर सकते हैं। और ST कैंडिडेट की अगर हम लोग बात करें, तो 22 प्लस मार्क्स अगर उनके आ रहे हैं, तो वो भी जो है JEE एडवांस की प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स, ये एकदम जो है हमारा एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, जो कि हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके बनाया है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये वीडियो हमारा पसंद आया, तो आपको तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू।